वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है तिबलिसी के अंदर। तो लाइब्रेरी कैसी दिखती है, वो जब भी आपका क्लास खत्म हुई और पर्टिकुलर क्लास, फॉर एग्जांपल आपकी फिजियोलॉजी क्लास है, तो यहाँ पर डीन बैठता है, कोई भी आपको दिक्कत होती है भाई, जो यूनिवर्सिटी की सच्चाई होती है ना। तो पता कौन सी यूनिवर्सिटी में आया हूँ आप लोगों के लिए मैं आज, इस यूनिवर्सिटी में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से आप सबका मेरे को कमेंट आ रहा था कि भाई TSMU के ऊपर वीडियो बनाओ, TSMU के ऊपर वीडियो बनाओ, और क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है तिबलिसी के अंदर। तो मेरा ये था कि भाई TSMU की क्या रियलिटी है वो सब मैं आपको बताऊं। और फाइनली अभी इसी वीक ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई है। मैं अभी तक व्लॉग इसलिए नहीं ला पा रहा था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अभी तक बंद थी, अभी 2-3 दिन पहले यूनिवर्सिटी खुली है। तो मैंने एक भाई से बात करी और उसने मेरी हेल्प करी इस यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाने में। तो आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ और TSMU की क्या रियलिटी है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसी क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी कैसी दिखती है, कैफेटेरिया कैसा दिखता है, डीन्स ऑफिस कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे रियलिटी में। और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एट द एंड। मैं जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस कर रखा है मैंने पहले भी, कि हर यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट का मैं आपको इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, जिस इंटरव्यू में वो आपको सारी रियलिटी बताएगा कि भाई इस यूनिवर्सिटी में जो जो फैसिलिटीज़, जो जो प्रोमिसज़ किए जाते हैं वो सच में है कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। तो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, पहले चलिए यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ लाइब्रेरी की, TSMU की लाइब्रेरी कैसे दिखती है, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि भाई हमें घर में हमें वो वाइब नहीं आ रही, इंपॉर्टेंट काम भी हमें यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी हैं, और जो हमारा खाली टाइम है हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपना स्टडी करें। तो लाइब्रेरी कैसी दिखती है वो चलिए अभी आके देखते हैं। तो भाई ये है लाइब्रेरी और आप मेरे पीछे देख सकते हो, रिसेप्शन है यहाँ पर। जब आप आओगे तो आपको कोई बुक बोरो करनी है तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट रहता है, उसको आप बताओ कि भाई हमें ये बुक बोरो करनी है, वो आपको बोरो करके दे देगा। यहाँ पर प्रॉपर रजिस्टर लिखेगा आपका नाम वगैरह, और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हो पूरी लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकते हो। अब मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ आपकी लाइब्रेरी दिखती है, आपको एक बेसिक आइडिया होने चाहिए यहाँ आने से पहले, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस यूनिवर्सिटी में हर जगह आपको हर जगह वाईफाई मिलने वाला है, तो आपको इंटरनेट की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यूनिवर्सिटी में घुसने से पहले ही आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल हैं हर कोने पे। लाइब्रेरी में भी आपको पूरा वाईफाई की सर्विस दे रखी है, तो आपको उस चीज़ की भी दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हो ये आपका कैफेटेरिया है। तो जब भी आपका क्लास ख़त्म हुई और आपको कुछ खाने का मन है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे 24/7 और शॉप्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर ही, बट अगर आपको यूनिवर्सिटी में जैसे फॉर एग्जांपल खाने का मन है, आपके क्लासेस के बीच में ब्रेक है, तो ये पूरा कैफेटेरिया आपका, और ये अभी रेनोवेट किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर कैफेटेरिया बनने वाला है TSMU का। तो ऐसा दिखता है कुछ आपका कैफेटेरिया। तो भाई देखो अब आ गए हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो थोड़ा TSMU यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा बैच नहीं बनाया जाता है। जब आप यहाँ पर आओगे तो फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स का 12 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाया जाएगा, और वो बैच की पर्टिकुलर क्लास, फॉर एग्जांपल आपकी फिजियोलॉजी क्लास है, तो उस 10-12 स्टूडेंट्स का जो टाइमिंग होता है बैच का, वो सारे 10-12 स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टीचर बैठेगा, और टीचर बैठने के बाद यहाँ पर वाइट बोर्ड है, इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ऐसा कुछ क्लासरूम है, छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई बैच तुम्हारा छोटा छोटा होगा, 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स का बैच होगा। तो ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा क्लासरूम। तो और बाकी जितने भी क्लिनिकल थिंग्स होती हैं वो कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में सिखाई जाती है। यहाँ पर मेनली सारी क्लासेस हैं लाइन से, और जितने भी क्लिनिकल एक्सपोजर वो दूसरी बिल्डिंग में सिखाया जाता है आपको। और यहाँ पर डिफरेंट क्लिनिक्स भी हैं जो जहाँ पर आप जाओगे और अपनी हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आपको बेसिक आइडिया तो मिल चुका होगा क्लासरूम का। तो भाई ये तो था जो तुमने देखा यूनिवर्सिटी, और ये पीछे तुम मेरे देख सकते हो यहाँ पर, ये है डीन ऑफिस। और जितना भी USMD कोर्स होता है ना, एक और नॉर्मल कोर्स और एक USMD कोर्स, दो कोर्स बताया मैंने तुमको, तो जितना MD कोर्स होता है वो वहाँ होते हैं,
जितने USMD कोर्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर डीन बैठता है, कोई भी आपको दिक्कत होती है आप यहाँ पर आके डीन से डायरेक्टली मिल सकते हो, डायरेक्टली उसको अपना इशू बता सकते हो और वो आपकी पूरी हेल्प करेगा इशू सॉल्व करने में। और ये यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ही है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सो भाई देखो, ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कॉलेज क्लास कैसी दिखती है, कैफेटेरिया कैसा दिखता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है। और अब मतलब लास्ट जो मेन होता है ना, तुम्हें सबको पता है कि भाई जो यूनिवर्सिटी की सच्चाई होती है ना, द रियल ट्रूथ, एक स्टूडेंट ही आपको बता सकता है यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे भाई किसी भी आप एजेंट से पूछोगे, कंसल्टेंसी से पूछोगे, वो आपको कुछ भी बता सकता है, लेकिन जो रियल ट्रूथ होता है ना वो एक स्टूडेंट बता सकता है। तो आज हमारे साथ भाई आया है और भाई से हम सारी चीज़ें जानेंगे। भाई को हिंदी नहीं आती है, बहुत कम आती है, भाई साउथ से बेसिकली इंडिया में। तो भाई से हम सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या रियलिटी है इस यूनिवर्सिटी की, सच में जो फैसिलिटीज़ और जो चीज़ें बताई जाती हैं वो इस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं। तो चलिए पहले भाई का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। या माय नेम इज़ बेसिल, आई एम इन थर्ड ईयर, दैट इज मीन 3.2। आई जॉइंड हियर इन 2020 बैच एंड हियर आई कैन से वी हैव यूरो MD एंड USMD। Euro MD is basically, its fees is $8,000 USD, and for Euro USMD it is $13,500 per year. Okay. Yeah, like in Euro MD it's basically we can have, there's time is there for studying. If you want to prepare something in our future, we have time for that. I mean, USMD they are teaching in the way how the USMLE exams are coming. It is like it's more difficult. Then here they are not giving any special coaching. If you want any special coaching, we should go for taking Maro or Preparer or something like that. So we can have time to study that also. Okay. Because in a week we will be having 5 subjects. Maybe in after third year we have like it's going like that, 5 subjects. After third year, fourth year onwards it is clinicals. Clinical means maybe it's in 2 weeks one subject, and after that one month one subject. Okay. It goes like that. Okay. So भाई देखो, जैसा कि भाई ने आपको बताया कि जो यहाँ पर फीस है, दो टाइप के कोर्स होते हैं यहाँ पर, एक होता है USMD कोर्स और एक होता है नॉर्मल MD कोर्स। तो जो नॉर्मल MD कोर्स होता है ना वो होता है $8,000 पर ईयर, $8,000, और जो USMD कोर्स होता है दैट इज $13,500 पर ईयर। तो ये दो टाइप के कोर्स हो गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को इंडिया वापस नहीं जाना है और उसको USMLE जाना है तो वो USMLE कोर्स ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आपको जैसे पता है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोर्स। तो और MD जो कोर्स है उसमें आपको अलग से USMLE की कोचिंग बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जैसे भाई ने बताया, देर इज़ नो स्पेशल कोचिंग फॉर USMLE, देर इज़ नो स्पेशल कोचिंग फॉर नेक्स्ट MCI, नथिंग। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। पहली चीज़ आप अपने दिमाग में डाल के आइए, इंडिया में एजेंट आपको कुछ भी बोल रहा है तो वो आप मत यकीन करिए। यहाँ पर कोई भी स्पेशल कोचिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में मोस्टली नहीं दी जाती है इंडिया के लिए। USMLE के लिए इस यूनिवर्सिटी में कोर्स ही अलग है और उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। दूसरी चीज़, भाई ने जैसे बताया कि फर्स्ट 3 ईयर्स बेसिकली आपके नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे, हफ्ते में 5 दिन आपकी क्लास लगेगी, ऐसा सिस्टम चलता है पहले 3 ईयर्स। आफ्टर दैट क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्टेड एंड उसके बाद आपका जैसे 1 वीक 2 वीक 1 महीने की आपकी क्लासेस होंगी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की। तो ये सब सिस्टम हो गया। अब भाई से ये पूछते हैं कि भाई टीचर्स का क्या एक्सपीरियंस है, जैसे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि भाई वहाँ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, यू नो उनको नॉलेज है कि नहीं, तो वो भाई से पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है टीचर्स। सो ब्रो, टेल अवर व्यूअर्स दैट व्हाट यू थिंक अबाउट टीचर्स, देयर टीचिंग स्टाइल, आर दे गुड इनफ टू टीच द स्टूडेंट्स? Yeah, actually most of the teachers are good, and some teachers are like okay, we can tell it's not, they are not perfect, but they're okay. But if you attend the lectures of TSMU, this is the best thing. But because of laziness and everything, maybe many students miss their lectures. But if you attend the lectures, it will be more productive. Mm-hmm. So you can answer in the classes and you will get more knowledge. They are giving a good explanation and everything during lectures. Mm-hmm. So everyone should attend the lectures, I'm telling you. सो भाई जैसे अब तुम्हें भाई ने बता दिया कि लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉर्जिया में मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में आपके डेली लेक्चर होने तो होते हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं अटेंड करना। जैसे अब यहाँ पर बच्चे आते हैं, अब सुबह उनसे उठा नहीं जा रहा है, ये रियलिटी बात कर, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, ये कोई मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, इस मेरी हर वीडियो में मैं आपसे रियलिटी दिखाऊंगा और रियलिटी ही बात करूंगा। तो यहाँ पर बच्चे आते हैं
और लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर वो बाद में किसी एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं, फिर वो सारा ब्लेम डाल देते हैं टीचर्स पे, सारा ब्लेम डाल देते हैं यूनिवर्सिटी पे। तो ऐसा नहीं होता है, जो बच्चे रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना तिबलिसी जॉर्जिया में, ना किसी और कंट्री में, और ना ही MCI क्लियर करने में, और ना ही USMLE क्लियर करने में। सब आपकी मेहनत पर डिपेंड है, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन योर हार्डवर्क। जैसे भाई ने बोला कि भाई लेक्चर अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा सारी चीज़ें, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने देगा आपका किसी भी सब्जेक्ट में। नाउ वी विल आस्क दैट वॉट अबाउट द हॉस्पिटल्स, लाइक TSMU हैज़ इट्स ओन हॉस्पिटल और नॉट, और दे गो टू अनदर क्लिनिक्स, वॉट अबाउट द क्लिनिकल एक्सपोजर दे आर गेटिंग इन दिस यूनिवर्सिटी? Actually, for me in third year, I had some clinical subjects. That is like I had go to first clinic was there, and Samasya Ragoli there is high tech clinic was there. There also they were like promoting us to face the patients. We had seen so many surgeries. Our professor on Georgi was there. He was really good. For every surgeries, he took us to the ICU, and he showed every surgeries, and it was really good experience for us. Mm-hmm. Yeah. Then we had like in fourth year onwards, subjects are not in our university. It's always mostly it occurs in clinical or hospitals. Mm-hmm. सो जैसा कि भाई ने आपको बताया कि भाई फर्स्ट थर्ड ईयर पहले 3 साल तो आपका भाई नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो फर्स्ट 3 ईयर्स यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप हॉस्पिटल में जाओ और यू नो क्लिनिकल एक्सपोजर, आपको इतना सर्जरीज देखने को मिलेंगी। बट फ्रॉम थर्ड ईयर भाई ने जैसे बोला कि आपको क्लासेस जो होती है ना, फिजिकल क्लासेस वो कम हो जाएंगी और आपका क्लिनिकल एक्सपोजर वो ज़्यादा हो जाएगा। जो भी क्लासेस आपकी लगेंगी वो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में ही लगने वाली हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई एट दी एंड इंडिया जाने के बाद आपको पता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर जितना ज़्यादा आपको होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। तो ये इस यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी चीज़ है। और कैंपस तो मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत ही मैसिव कैंपस है, जॉर्जिया में रैंक 1 पे है। कैंपस की बात करूँ, पढ़ाई की बात करूँ, वो भी रैंक 1 पे है। और मैं ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है भाई इस यूनिवर्सिटी की। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करो, तो आपको पता चलेगा TSMU के कोलैबोरेशंस कितने ज़्यादा हैं, जॉर्जिया के किसी और कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा TSMU के कोलैबोरेशंस हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से, जितना मैंने सर्च किया और जितना मैंने पता किया है। ये तो चलो हो गई बातें, अब भाई से बात कर लेते हैं। भाई बहुत लोग बोलेंगे हम TSMU एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन वहाँ पर हॉस्टल है कि नहीं, तो लेट्स आस्क दैट इज़ देर एनी स्पेसिफिक हॉस्टल विच इज़ यू नो ओपन बाई TSMU इटसेल्फ और दे हैव टू टेक अ प्राइवेट हॉस्टल, व्हाट इज़ द सिनेरियो? Here we can say that university is not providing any hostels. There are private hostels are available nearby TSMU, and we have so many apartments are there. Okay. So most of the students prefer hostels or like apartments. Then it's like expense is high. When we can tell, hostels are cheaper. Mm. It's like 4 sharing is there, 3 sharing is there, 2 sharing is there. And when we compare to apartment here, they are like expensive. Yeah, mostly like $500 to $600 for 1 BHK is now, presently. In earlier time, it was cheaper. Yeah. So, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है भाई कि आज से 3-4 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी और फीस और हॉस्टल की फ़ीस और यू नो फ्लैट्स के रेट ये सब चीप हुआ करते थे जॉर्जिया में। जब से यू नो यूक्रेन वॉर हुई और वहाँ के सारे बच्चे यहाँ पर माइग्रेट हुए और बाकी कंट्रीज़ के रशिया के बच्चे यहाँ पर माइग्रेट हुए, तो यहाँ पर जॉर्जिया में अब स्टूडेंट्स का क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया यहाँ के लोगों ने और यूनिवर्सिटी की फ़ीस से लेके हॉस्टल की फ़ीस से लेके फ़्लैट के रेट से लेके सब कुछ इंक्रीज़ हो चुका है। तो जो फ्लैट 1 BHK $200-$250 में मिलता था, वो फ़्लैट अभी $500 में मिल रहा है, नियरली डबल कर दिया उन्होंने हर चीज़ का प्राइस। तो बट वो मेजर दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे तो आप प्रीफर करो हॉस्टल में रहो, क्योंकि आपको यू नो एक एक्सपीरियंस गाइडेंस चाहिए होता है भाई कि जॉर्जिया क्या है, तिबलिसी क्या है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कहाँ सामान खरीदना है। तो आप तुरंत फ्लैट पर आओगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपका कोई नोन है यहाँ पर फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऑब्वियसली, बट अगर आप न्यू हो, आपका कोई नोन नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो फर्स्ट ईयर प्रीफर करिए हॉस्टल, और हॉस्टल का जैसे मैंने आपको बता रखा है $2500 से $3000 4 शेयरिंग का यहाँ पर प्राइस चल रहा है इस समय। और उसके बाद आप सेकेंड ईयर से फ्लैट ले सकते हो अपने दोस्तों के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये सब तो बातें हो गई हॉस्टल और लिविंग अकोमोडेशन की, अब बात कर लेते हैं भाई कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को ट्रांसफ़र लेना है या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जॉर्जिया में, या फिर जैसे कि आपको लोगों को पता है कि 2021 के बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको ट्रांसफ़र वो अलाउड ही नहीं है उनको ट्रांसफ़र लेना इंडिया की तरफ से।
तो ट्रांसफ़र इस यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हो तो आपको डे वन से लेके डे लास्ट तक आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, ये माइंड आप अपना क्लियर कर लीजिए। और बाकी आई होप मोस्टली सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। सो नाउ वी विल आस्क अबाउट लाइक मैनी स्टूडेंट टेक्स्टेड मी दैट इन जॉर्जिया टिबलिसी देर इज़ काइंड ऑफ रैगिंग ऑफ जूनियर स्टूडेंट्स व्हेन दे गो टू यू नो यूनिवर्सिटी द सीनियर कम एंड टेक द रैगिंग एंड स्टफ। सो वी विल आस्क दैट इज़ इट ट्रू और नॉट। Actually, in earlier time there was ragging. That means like 2015 or 14 time there was ragging. In there was a Sri Lankan Tamil issue came there, and the dean had told every students that there ragging is prohibited in TSMU. So there is no ragging here. If anyone rag or something, we should just tell to dean's office. They ragged me. Then the student who ragged will be deported to India. It is really criminal offense here. तो भाई देखो, जैसे भाई ने बोला कि अगर रैगिंग किसी ने कर भी दी ना तो सीधे इंडिया डिपोर्ट होगा, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो रैगिंग की और यू नो ये सब यहाँ पर नहीं होता है, पहले होता था जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। मैंने बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पर, तो मैंने उनको बोला है कि भाई जब कॉलेज यहाँ बच्चे आने स्टार्ट हुए थे ना 2013-14-15 में, तो उस समय ये सब रैगिंग वैगिंग होती थी, लेकिन अब ये सब बंद हो चुका है, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है जॉर्जिया में। तो ये सब जितनी भी मोस्टली सारी चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर ली है भाई के साथ, और आई होप आपको सारे जो डाउट्स हैं TSMU के रिलेटेड वो सारे आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप YouTube पे कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा Instagram का लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे Instagram पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट और सारे क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ऐसा तो कुछ TSMU $8,000 फीस है नॉर्मल MD कोर्स, $13,500 फीस है USMD कोर्स, आप सेलेक्ट करिए अपने बजट के हिसाब से। और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लिटरली कैंपस बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आप एक यू नो मेमोरेबल यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना इंडिया जाने के बाद और ना USA जाने के बाद या फिर किसी भी कंट्री जाने के बाद। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो TSMU में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जॉर्जिया जाने का सोच रहे हैं और अभी यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करी उन्होंने। आई होप उनको बहुत हेल्प होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।